की जय, भारत माता की जय। आपके चैनल को और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप हमारे इस 10 मार्च की तैयारी में सम्मिलित हुए हैं, तो इस बधाई के आप भी पात्र हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगता है इस बार 10 मार्च की पूरी तैयारी है? यहाँ जितने हैं वो सभी भगवाधारी हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं पॉलिटिकल मिश्रा और इस वक्त मैं दशाश्वमेध घाट पे हूँ, जो कि वाराणसी में आता है, मोदी जी का यह नाक कहा जाएगा। और इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ लोगों का राय जानने, जनता का राय जानने। साफ आपको नजर आ रहा होगा जय जय श्री राम का नारा लग रहा है, तो आइए चलिए वहाँ बात करते हैं लोगों से। तो क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है। अच्छा, पहले अपना नाम बता। मेरा नाम विकास सिंह है और मैं हिंदू वाणी सरदार उधम सिंह मंडल अध्यक्ष का हूँ, जो कि गिरजाघर पे स्थित है। उधम सिंह, तो क्यों बीजेपी की हैं, क्यों सपा की? आप बीजेपी में देख ले, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट में, चाहे सड़क के मामले में, चाहे बिजली के मामले में, चाहे दंगा मुक्त के मामले, चाहे प्रदेश में शांति के, सपा सड़क नहीं देती थी। सपा सड़क देती है, लेकिन अभी आज भी जहाँ उन्होंने जो परियोजनाएं उन्होंने देने का संकल्प, राहुल के बारे में क्या कहेंगे वो बोलिए ना, बोलिए। उनके बारे में एक ही बात कहा जाता है कि भैया पप्पू जी। आप क्या बोलेंगे? जी भैया, ये घाटों में मेरा बचपन बीता है, इस यहाँ के जो लोकेशन है, जो भी क्षेत्र है यहाँ पे। अच्छा, घाट के ऊपर कुछ बताइए ना। घाट पे आप देख रहे हैं जो रौनक है, चहल पहले सपा सरकार में नहीं थी। नहीं थी। आपको क्या लगता है किस विषय पे योगी जी आएंगे कि अखिलेश? आपको कोई डाउट है क्या? कौन आएगा भाई? योगी जी, योगी जी। क्यों योगी जी? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, योगी क्यों? योगी जी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। अखिलेश के बारे में दो शब्द बोलिए ना। अखिलेश भी अच्छे थे पहले, अपने अपने अच्छे थे, नहीं दो शब्द बोलिए। चलो सब, वो भी अच्छे। नाम? राजकुमार गिरी। राजकुमार, आप घाटों पे, आप घाटों का सुंदरीकरण काम देख लीजिए, चाहे गली गली में आप नाले का हो, चाहे रोड का काम हो, पटरी पर सब कुछ आप उनका काम देखने को आपको मिलेगा। आप यहाँ से टहलते हुए जाए, यहाँ पार्किंग का काम आप देख लीजिए, गोदौलिया पे इतना भव्य निर्माण पार्किंग हुआ है। आशीर्वाद बेटा। बाबा, इस बार चुनाव में किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? पॉलिटिकली नो कमेंट। वाई बाबा, यू आर पॉलिटिकली, मोदी जी हैज चेंज दिस घाट। देखिए एक बात, आप जो करते ना, हम लोग बाबा हूँ, कोई नो पॉलिटिकल कमेंट। आई अंडरस्टैंड। बात तो रहेगा ही, योगी जी भी तो बाबा हैं। अरे तो बस योगी जी के बाबा, वो ये तो आशीर्वाद रहेगा ही। इनडायरेक्टली भाजपा को आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा। भाजपा को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए आप तो हमसे जोर से नहीं ले पाएंगे। हाँ। जो काम करेगा जरूर मिलेगा, जो हिंदुत्व को रखेगा बस उसको बस आशीर्वाद रहेगा ही। अच्छा, बस एक बात में खत्म। अखिलेश को क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे नो कमेंट, नो कमेंट, वो बोलने लायक नहीं है। घाट पे आप लोग कितने साल से हैं? हम तो 25 साल से हैं। तो 25 साल में क्या क्या? मैं बिहार गुप्तेश्वर धाम से आता हूँ। हाँ। मेरा आश्रम वहाँ है। यहाँ जो विकास का काम हुआ है बहुत सुंदर हुआ, ऐसा ही। किस किस सरकार देखना चाहते हैं? सरकार अच्छी है जिसमें शांति की व्यवस्था है। भगवा का आप वो कर रहे हैं? नहीं नहीं, शांति की व्यवस्था है। शांति की व्यवस्था भाजपा सरकार में ही है, जिसमें भी है ना। क्या नाम है भाई आपका? जी अभी। यहाँ पर क्या जो दिख रहा है चेंजेस, क्या आपको नजर आता है और पहले कैसा था? बीते 5 वर्षों में काफी चेंजेस हुए, आप खुद ही देख सकते हैं कितना डेवलपमेंट हुआ, चाहे रोड देख लीजिए, चाहे जो भी आप किसी घाटों का, घाटों का आप खुद ही, आप इतने सालों से अगर आप आ रहे परमानेंट, तो आपने खुद देखा होगा क्या डेवलपमेंट हुआ, कितने आपको चेंजेस। क्या लगता है सर? हमें तो सब अच्छा लग रहा है सर, सब अच्छा लग रहा है। आने वाली सरकार जो है वो कौन सी आएगी? बीजेपी आ रही है सर। बीजेपी को क्यों आप लाइक करते हैं? सर उन्हें हम इसलिए लाइक कर रहे हैं कि वो 5 साल में वो जो किए वो कोई नहीं करने वाला है। कहाँ से भाई साहब? गोरखपुर से। क्या नाम है? मयंक अग्रवाल। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार आ रही है? भाजपा उजपा का पट्टा उट्टा लेके घूम रहा है? योगी जी की सरकार आने वाली है। क्यों आएगी मैडम? डेफिनेटली योगी जी हमारे सरकार ऐसी लेके आ? नहीं नहीं, योगी जी हमारे बहुत ही, मैं बनारस से। अच्छा, यही लोकल? लोकल। किसको वोट दे रही है इस बार? योगी जी और मोदी जी हमारे दक्षिणी से। नीलकंठ तिवारी है यहाँ के? नीलकंठ तिवारी। नीलकंठ तिवारी क्यों? बस पसंद है। पसंद क्यों है? क्या चेहरा पसंद है? क्या चेहरा नहीं, कार्य प्रगति पे है इसलिए पसंद है। क्या कार्य? अरे बनारस को बदल दिया है, घाट बदल दिए हैं। आप बताइए, आप तो योगी जी के शहर से हैं। मैं योगी जी के शहर से हूँ, लेकिन योगी जी ने जो काम किया है वो इस शहर में बहुत सराहनीय काम किया, सिर्फ बनारस में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो हर एक क्षेत्र में कार्य प्रगति से करते चले आ रहे हैं, और शहर के हर एक क्षेत्र में रोड नाले
जो भी चीज़ें हैं ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछली बहुत सी सरकारें हम लोगों ने देखी लेकिन कहीं भी कुछ ऐसी चीजें नहीं मिली थी। मैडम चाय कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्यों लग रहा है? अरे भैया योगी जी का बड़ा मोदी जी और योगी जी भाई देखिए योगी जी मेरे ससुराल वाले और मोदी जी मेरे मैके वाले, मेरा मैका यहाँ ससुराल वहाँ, तो हम तो दोनों ही की ओर से बोलेंगे ना भैया।